नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ तन। कृषि कानून के विरोध में आज पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए और एक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली धर्मकांटा परेड रोड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई लाल परेड ग्राउंड पहुँची। विधायक निशंक जैन ने कहा कि कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए जो किसानों के विरोध में है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नगर में सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। नगर में सुस्त पड़ी कांग्रेस में कितनी जान डाल पाती है। इस ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए और करीब 100 से ऊपर ट्रैक्टर रैली में चल रहे थे। लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचकर सभी किसानों ने पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोदी जी की हट से जो किसानों के विरोध में तीन काले कानून हैं, उन तीन काले कानूनों को वापस लिया जाए। एकमात्र मांग है किसानों के काले कानून वापस लिए जाए और MSP पर 12 महीने जितनी फसल पैदा हो वो फसल किसानों की खरीदी जाए, इसके लिखित आदेश दें। और जो किसानों की MSP से कम पे खरीदी करेगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।